मैं देखो मेरा ना बहुत टाइम से था कि मैं यूएस जाऊंगा. हर इंजीनियर का सपना होता है कि अपना यूएस जाना है ना. बड़ा शौक था. मैं देखे सही जाके अमेरिका में ऐसा है कि लैंड ऑफ ड्रीम्स है, बेस्ट डेवलप्ड कंट्री, टक टू डेवलप्ड कंट्री है बिल्कुल. एक मैं लॉस एंजलिस लैंड कर रहा हूं, लॉस एंजलिस हॉलीवुड है, ब्रैड पिट, एंजेलिना स्कॉर्सेसी सारे वही हैं. मैलिबू में कोठियां डाल के बैठे सारे. तगड़ा, बहुत बहुत तगड़ा सिटी है, ऐसे सस्ता नहीं है, लॉस एंजलिस है अगला. अब यहां तो सब कुछ होना चाहिए ना. मैं लैंड कर रहा हूं और मैं बाहर निकल गया. मैं कहा बताओ कैसे जाना, होटल जाएंगे अब, मेट्रो ही नहीं है. मैंने गूगल पर डाल के देखा कि अब यहां से यहां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो मैं होटल तक कैसे पहुंचूं. तो गूगल पे मैं जैसे ही मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन पे गया, उसने मुझसे पूछा पक्का जाना है. मैं कहा हां जाना है. तो कह रहा है देखो पहले यहां से लेके अगली 1.6 माइल तक पैदल चलो, फिर अगर किस्मत सही रही तो इस टाइम पे सिर्फ 13 बसें बदलनी पड़ेंगी, फिर आप पैदल चलो आप वहां पहुंचो. मैं कहते बड़े बड़े बैग लेके ये तो हो नहीं रहा, सीधी सी बात बताओ. तो हम कहें ऊबर करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अच्छा इतनी भी मैं रिसर्च करके आया था देखो कि ऊबर से सस्ती लिफ्ट है. इतना मैं थोड़ा बहुत अपना मैं करके आया था. तो हमने जी कराई लिफ्ट, उस पर मिला मुझे पूरे $2.25 का डिस्काउंट. वाह वाह मजा ही आ गया. हमने करा लिफ्ट वाले ने एयरपोर्ट से होटल तक का $90 लिया मुझसे. $90 90. मैं आया हूं कब, 15 मिनट पहले. 15 मिनट बाद मेरी जेब से $90 जा रहा है और मेरे कैलकुलेशन शुरू. मैं 90 × 83 72 7,500 रुपया उसने लिया मुझे पॉइंट ए से. इतना मेरा कमरा नहीं था. $67 का कमरा लेके बैठा हूं. इतना कमरा नहीं मेरा. वो लिफ्ट वाला आया, मैं कहा $90 के यहीं घुमा तू. यहीं सोएंगे हम, नहीं घर जा रहे. $90 में निशान आई है वो डब्बा. मैं कहा $90 में मर्सिडीज भी नहीं भेज, कुछ छोटी डब्बा जिसमें एक बैग पीछे एक सीट पे रखा मैंने. चलो जी कर करा के अपना जैसे तैसे करके हम होटल पहुंचे. मैंने वहां जाके सबसे पहले, मेरे चाचा जी रहते हैं न्यू ऑरलियंस में, तो मैंने उनको फोन किया सबसे पहले. आने से पहले कर लेना चाहिए था, थोड़ा घर वालों से अगर बनती हो तो ठीक रहता है. मैंने उनसे फोन करके सलाम मांगी. मैं कहा जी चाचा जी क्या करना है. उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे ना कार रेंटल करनी होती है, किराए पे गाड़ी लेनी होती है. एयरपोर्ट पे आप लैंड करो, वहीं से गाड़ी उठाओ, घुमाओ, जितने दिन आपको रहना है एयरपोर्ट पे लैंड वापस छोड़ दो आप, बहुत कन्वीनियंट है. मैं कहा अच्छा वाह कन्वीनियंट होगा, आपने पता नहीं था. ठीक है मैं कहा ठीक है. मैंने गूगल पर सर्च किया LA कार रेंटल चीप. बढ़िया आपने सर्च किया, आया. मैं 90 दे चुका हूँ ऑलरेडी भाई. मैं नहीं दे रहा उसको $1 भी फालतू. मैंने और चीप ही था कीवर्ड. क्यों? क्योंकि मेरी लगी लॉटरी. मुझे $15 पर डे के हिसाब से गाड़ी मिल गई, मिड साइज समथिंग. कह रहे कैमरी ले जाओ, करोला ले जाओ, डॉज ले. डॉज अमेरिकन मसल है? आज भाई बनेगा विन डीजल. तो मैं अपना $13 की लिफ्ट कराई. मैं अपना पिकअप करने पहुंच गया $60 लेके. मैं कहा हाँ जी मुझे गाड़ी दे दो. कह रहे 60 नहीं 78 लगेंगे. मैं कहा 78 क्यों लगेंगे, मेरे आया है, मेरे रेट बढ़ गया, ये क्या हो रहा है. कह रहे नहीं भाई साहब टैक्स. मैं कहा ओ ओके ओके फाइन इट्स स्टिल ओके. लाइक कल्चरल डिफरेंस कि वहां पे हमारे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव. ठीक है फाइन, मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं. 60 का 78 हुआ, ज्यादा नहीं चुभा. मैं कहा ये पकड़ो 78, गाड़ी दे दो काले रंग में. कह रहा एक मिनट, इंश्योरेंस लेंगे. मैं कहा हमने इंडिया में ले ली, यहां क्यों लेंगे. हमारे से पे माता रानी का हाथ है, हमें कुछ नहीं होता, हमें चाहिए. और वैसे हम इंश्योरेंस लेते नहीं, हम बेचते हैं. मैं को चेंज में करें, हम नहीं करते. कह रहे नहीं यहाँ माता रानी से नहीं बनेगी बात, यहाँ मैंडेटरी होती है, यहाँ लेनी पड़ती है. मैं कहा लेनी पड़ती है, अब चिपकानी है तो चिपका, बता फिर क्या इंश्योरेंस. तो कह रहे दो प्रकार की इंश्योरेंस है, एक $45 एक $65. मैं कहा क्या फर्क है भाई साहब.
तो कह रहे 45 में हम ख्याल रखेंगे सिर्फ गाड़ी का, 65 में गाड़ी का, आपका, सामान का, बीवी का, सब काम ध्यान रखें। तो पहले तो मैंने इधर देखा, मैं कहा इतनी जरूरी है भी ये कि इसके मैं 20 लगा दूं फालतू, तो मैं चलो ऐसी कोई बात नहीं, अब इस नो ब्रेनर की 45-65 में यही चूज करनी है। मैं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, 78 + 65 = 143, ये पकड़ मैं 143 कह रहा, 65 पर डे। मैं कहा चोर उचक्के हो गया मवाली तुम लोग, बिल्कुल इतने हिडन चार्जेस कौन लगाता है, हिडन चार्जेस मेन चार्जेस से ज्यादा। मैं $60 की 4 दिन की गाड़ी लेने आया हूं, 65 पर डे का इंश्योरेंस दे रहा हूं मुझे साथ में। मैं कहा बहुत खराब बात है ये तो, बिल्कुल तुम पहले अच्छा, और इतने हिडन चार्जेस, जब फाइनल पर्ची आई ना तब भी ऐसा नहीं कि 65 × 4 + 78 की पर्ची है, दुनिया जहान के चार्जेस, पार्किंग फीस वहां वाली। मैं कहा तेरी गाड़ी है, तेरा पार्किंग स्लॉट, मैं क्यों दूं उसके पैसे, मैं लेके जा रहा हूं, पार्किंग स्लॉट खाली हो गया है, तू पैसे दे। पार्किंग चार्जेस 3.8% कैलिफोर्निया स्टेट टैक्स। मैं अभी आया हूं, मैं क्यों दूं टैक्स, मैं मोदी को दे के आया हूं सारा, कितना था, मैं तुम्हें पकड़ा दूं आगे। मैं ये क्या चल, 11.11% कन्वीनियंस फी। मैं दिस इज इनकन्वीनियंस, कौन सी कन्वीनियंस फी, कन्वीनियंस फी इतना कर करा के उसने $378 का पूरा उसने बिल मेरे सिर पे फाड़ा। मैं कहा तू दे यार जो करना फटाफट करा, पच अमेरिकन मसल हमने चलानी है। तो कह रहा एक मिनट, वो फास्ट लेन एक्सेस लेंगे आप, मैं नहीं लेंगे, मैं 5वीं लेन में धीरे धीरे करके चलाता रहूं, मुझे कोई जल्दी नहीं। भाई अच्छा खत्म नहीं हो रहा अभी, मैं तो बहुत भरा बैठा हूं, अब तो सुनने वाले बनो आप। ये कर कर आ गए जी, उसके बाद मैं निकला हूं, जैसे निकला हूं चाबी पकड़ाने लगी वो, तो कह रही सुनो टंकी फुल करके देना। मैं तेल भी मेरा है, मैं इतना जो इराक से लूटा कहां चला गया वो फ्री बांट तो कहां गया, मेरा कब होगा तेल, तुम तो फ्री बांट ना, इतना तेल तुमने लूट रखा, तेल भी मेरा, हद ही हो गई। मैंने उससे पूछा, मैं कहा कहां है पेट्रोल पंप, तो कह रही कि आगे सीधे जाओ 2 ब्लॉक्स के बाद, ब्लॉक क्या पहले एक मिनट गली में समझा, तू एक गली दूसरी गली, कह रही आगे से 2 ब्लॉक्स के बाद राइट ले लो, गैस स्टेशन आ जाएगा, नील बटे सन्नाटा पूरे पंप पे, कोई बंदा नहीं परिंदा नहीं, कह रहे खुद भर लो, और ये सब मेरे साथ विद इन 12 आवर्स ऑफ लैंडिंग। मेरा जेट लैग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेरा सेट नहीं बैठा हुआ, मुझे यही नहीं पता पेट्रोल वाली टंकी है कहां पे, इस साइड है उस साइड है, मैं 4 बार तो चक्कर काट गया उसके। अच्छा फिर क्योंकि भाई मैं पेट्रोल भरता पड़ा हूं बड़ा घर पे जा, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे करना, हमारी आदतें इतनी खराब हो रखी कि हम पंप पे जाते हैं शीशा नीचे करते हैं कि भाई साहब टंकी फुल कर दो, और इतने में 2 लोग आ जाते हैं, एक विंडशील्ड साफ करने वाला, हर स्क्रैच निकालने वाला ना। तो मैं वहां से उठाऊ, मैं पढ़ रहा हूं क्या है, अच्छा एक तो वो बता नहीं रखा कि पेट्रोल है कि डीजल है, ठीक है, अनलेडेड को अनलेडेड, अनलेडेड समथिंग समथिंग, अनलेडेड प्रीमियम। मैं किराए की गाड़ी सस्ता वाला भरवाऊं को ज्यादा दिमाग नहीं देता हूं। जस्ट रिफ्यूलिंग, पुटिंग इन सम गैस, पता नहीं चल रहा है अभी क्या करना है, हाउ टू, मुझे भरना ही नहीं आ रहा, और मैं कैसे भरना कितना, मुझे इतना पता ना कि नोजल निकाल के लगाते हैं 0 चेक करना होता है, नेट नेट मुझे और पता ही नहीं कुछ, वहां लिखा गैलन, क्या है गैलन, लीटर मिली लीटर में हमें पढ़ाया गया था उम्र, गैलन औंस क्या होता है ये, क्या होता है औंस, कॉफी मांगने जाओ स्मॉल मीडियम लार्ज का पता है 6 औंस 8 औंस मैं नहीं पता भाई।
मुझे भरना ही नहीं आता। वो क्या है, 4-5 गैलन तो मैं सीखने सीखने में गिरा गया नीचे कि क्या करना क्या है इसका। पेट्रोल वाली गाड़ी इनकी ऑटोमेटिक है, वो बहुत अच्छी बात है। वो पेट्रोल वाला ढक्कन हाथ लगा खुल जाता है, इसको ताला चाबी बंद करो इसको। कोई मेरा तेल लेगा तो पाइप मार के तेल लेगा, मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो बंद करो इसको। चोर चुकों का देश का पता लगता है। Got my attention, baby. I can't make a move.